हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैं आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था, ठीक है। ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, जिसका नाम है प्लांक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी, या आप इसे कह सकते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। प्लांक क्वांटम थ्योरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कह सकते हैं, ठीक है। आखिरकार हम प्लांक क्वांटम रेडिएशन की हमें डिमांड क्यों हुई, हम आखिरकार क्यों पढ़ना चाहते हैं, ऐसे क्या एरर थे प्लांक क्वांटम रेडिएशन के लिए जिसकी हमें आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्लांक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी से पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, और एक और हुआ करता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक आपका हुआ करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपकी जो ईएमआर होती थी, ईएमआर समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता था, वो ना तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता था, ना ही वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करता था। दोनों इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 1901 में प्लांक ने एक नया थ्योरी इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था प्लांक क्वांटम थ्योरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं ईएमआर के बेसिस पे किया जा रहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं किया जा रहा था। तो प्लांक ने एग्जैक्टली बताया कि प्लांक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ठीक है। चलिए, आपने देखा था कि मेटल की सरफेस पे हम लाइट इंजेक्ट करते थे, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन आपके चले जाते थे, ये सब हमने पढ़ा था। हाँ सर, हमने पढ़ा था। फाइनली अब हम क्या कर रहे हैं कि प्लांक ने बताया कि जितनी भी एनर्जी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये कहता है कि कंटिन्यूअस होती है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपसे ये कहना चाहता है कि भाई जो भी रेडिएशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन प्लांक ने कहता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। प्लांक कहता है कि जो भी रेडिएशन होता है ईएमआर का, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस होता है, पहले तो ये सुन लें। और जो भी एनर्जी एमिटेड हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, पहले सुन लीजिए, एमिटेड हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स बंडल्स की फॉर्म में होती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, जिन्हें क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा या क्वांटम कहते हैं, ठीक है। और ईच क्वांटम में एक डेफिनेट एनर्जी होती है, अकॉर्डिंग टू प्लांक, ईच क्वांटम में एक डेफिनेट एनर्जी होती है, एक फिक्स एनर्जी होती है, और उस क्वांटम को कहते हैं हम फोटोन। उस क्वांटम को क्या कहते हैं? फोटोन। तो ईच क्वांटम या ईच क्वांटा बराबर वन फोटोन के बराबर होता है, पहले तो ये सुन लें, ईच क्वांटा या ईच क्वांटम वन फोटोन के बराबर होता है, ओके, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आती है। एनर्जी जो भी एमिटेड या एब्जॉर्ब होती है वो छोटे छोटे पैकेट और बंडल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। चलिए, फाइनली जो स्टेटमेंट आया प्लांक का स्टेटमेंट कहता है कि एनर्जी ऑफ क्वांटम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो भी लाइट है, जिस लाइट का सोर्स है, सन की लाइट है या आपके घर पे जो बल्ब लगा हुआ है उसकी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की, ठीक है, एनर्जी ऑफ क्वांटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट है आपके प्लांक साहब का। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल डालकर एच बी, ठीक है। दिस इज द प्लांक क्वांटम रेडिएशन, दिस इज द प्लांक क्वांटम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आपकी एच बी के बराबर होगा, जिसे आप फोटॉन्स कहते हैं। वन फोटोन एच बी के बराबर होगा, आप समझ लीजिएगा, वन फोटोन एच बी के बराबर होगा, ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन्स ई होगा आपका, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन्स आपका ई होगा। अभी हम इस चीज़ को और एक्सप्लेन करेंगे, और थोड़ा समझेंगे, और थोड़ा समझना चाहेंगे, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ, मैं थ्योरी आपको दूंगा इसकी, आप परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, फाइनली मैंने सीखा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अब आप ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिकल ना करें, आप एक छोटा सा कर लें। आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पे मान लीजिएगा एक बल्ब जला हुआ है या एलईडी जली हुई है, तो वहाँ बल्ब का भी तो एक लाइट का सोर्स है, जो आपकी बॉडी पे एब्जॉर्ब हो रही है लाइट, है ना, वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ बंडल्स की फॉर्म में आ रही है आपकी
आपके पास, छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल्स की फॉर्म में आ रही है। आप जो एनर्जी फोटॉन्स आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं बल्ब से, ठीक है। तो फाइनली उस क्वांटम की एनर्जी पता करने के लिए, अगर आपको पता करनी है उस बल्ब से कितनी एनर्जी आती है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी के। मैं सी इसको लिख सकता हूं ई इक्वल्स टू एच बी, ठीक है, ई इक्वल्स टू एच बी, ठीक है। ये आपका हुआ करता है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन या प्लैंक क्वांटम रेडिएशन, वेयर ई दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटो, वेयर ई दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटो, वेयर एच यू नो दिस इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट, प्लैंक कॉन्स्टेंट, ओके, क्लियर हो रही है मेरी बात। और वेयर बी दिस इज द फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो मान लीजिएगा अगर आपको किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन हो और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, तो आप जानते हैं एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। तो आप ये वैल्यू यूज कर आप एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पता कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपसे वो ये कहता है कि जो बल्ब से एनर्जी आ रही है, उस फोटॉन्स की जो एनर्जी आ रही है, वो मुझे अगर चाहिए होती पर मोल के हिसाब से, कितने पर मोल के हिसाब से, तो बिल्कुल सर कर देता, कोई भी चीज पर मोल के हिसाब से चाहिए, तो मैं लिखता E इक्वल्स टू एच बी नॉट, है ना। ये एनर्जी किसके हिसाब से है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, फोटोन पर मोल, मोल के हिसाब से चाहिए, तो आपको एवोगैड्रो नंबर का सर मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज मोल के हिसाब से चाहिए, तो आपको एवोगैड्रो नंबर रखना पड़ेगा। और एवोगैड्रो नंबर आपका कितना हुआ करता है 6.022 × 10³⁷, ठीक है। तो फाइनली मेरा रिलेशन बदल गया, ई इक्वल्स टू एच, ई इक्वल्स टू एच वी 6.022 × 10³⁷। तो ये भी एक रिलेशन हो गया मेरा, पर मोल के हिसाब से एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए, तो ये हो गया मेरा, ठीक है। मान लीजिएगा कोई आपसे कहता है कि जो बल्ब से एनर्जी आ रही है, मुझे उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स पता करने हैं कि नंबर ऑफ क्वांटम्स कितने आ रहे हैं या नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, तो आपके आपको करना होगा कि नंबर ऑफ क्वांटम या नंबर ऑफ फोटोन, तो सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या है, किस सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है आपको, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब बल्ब है तो बल्ब तो आपका सोर्स है एनर्जी का, या कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आपका बल्ब, या आपको गिवन रहेगा या बताया जाएगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना है, ओके। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाए तो हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वांटम्स पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मोल के हिसाब से चाहिए तो एच बी नोट कर लेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए तो केवल एच बी कर लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इतना आसान होगा ये सारी चीजें, न्यूमेरिकल इतने आसान थोड़ी होंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए तो हमने तो एच बी कर लिया, पर मोल चाहिए तो एच बी नॉट कर लिया, अगर सोर्स, अगर नंबर ऑफ फोटोन चाहिए तो सोर्स ऑफ एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं काम चलेगा, देख लेते, पहले से नोट कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे क्वेश्चन डिजाइन करेगा, वो कैसे आपसे काम करवाएगा, कितनी मेहनत करवाएगा, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, वो आपसे कहेगा कि भाई एक लाइट का रेडिएशन हो रहा है मेरा, कोई भी लाइट है, एक लाइट का रेडिएशन हो रहा है मेरा भैया, उसकी वेव लेंथ है मेरे पास मान लो 50 एंगस्ट्रॉम, मान लो, है ना, एक वेव का, एक लाइट का रेडिएशन हो रहा है जिसकी वेव लेंथ गिवन है 50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आपको वो आपसे कहेगा भाई एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बता दें, वो आपसे कहेगा एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बता दें, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर मोल बता दें, जो भी कुछ है, ठीक है। चलिए, लेकिन सर मैंने तो ये पढ़ा है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होता है एच बी, फ्रीक्वेंसी तो है नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं है, मैंने ईएमआर वाला एक रिलेशन पढ़ाया था, याद करो सी इक्वल्स टू क्या होता था, वी अपॉन लैम्डा, ठीक है, ठीक है, v इक्वल्स टू क्या होता था, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, v इक्वल्स टू क्या होता था, c अपॉन लैम्डा, वेव नंबर क्या होता था, 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये सब पढ़ाया भैया मैंने, ये सब पहले बता के आया हूं, इनकी जरूरत पड़ गई अब। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बराबर मैं लिख सकता हूं h, h h इनटू c अपॉन लैम्डा, देखिए हमारी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आ जाएगी, कोई बात नहीं सर, अगर आप मुझे फोटॉन्स, अगर आप मुझे ईएमआर का या किसी भी ट्रेवलिंग लाइट की वेवलेंथ बता देंगे तो भी मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है,
कि वेवलेंथ आपकी इधर आ जाएगी और सी तो आपकी जानते हैं क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच आप जानते हैं क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। फिर सुन लीजिएगा, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट, वेवलेंथ आपको मिल जाएगी तो भी आप एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकाल लेंगे। ठीक है, अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे पर मोल के हिसाब से चाहिए होती, मान लीजिएगा वेव नंबर गिवन होता, अगर आपको वेव नंबर गिवन होता, इस रेडिएट लाइट का वेव नंबर पता होता तो भी हम क्या करते हैं, एच इंटू ई इक्वल्स टू एच ओके सी वन अपॉन लैम्डा लिख लेते, और ई इक्वल्स टू एच सी इंटू वेव नंबर ओके एस सी इंटू वेव नंबर, ये भी एक रिलेशन बन जाता बिकॉज वेव नंबर इक्वल्स टू वन अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स वेव नंबर के हिसाब से चाहिए तो यहां आ जाएगी, वेवलेंथ रखी है तो ऐसे आ जाएगी, और सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आपकी इधर से आ जाएगी। तो ये बात क्लियर हो रही है आपकी। अगर यही एनर्जी पर मोल के हिसाब से चाहिए, यही एनर्जी अगर पर मोल के हिसाब से चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इसी डाटा में एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है 6.02322 × 10³। और एनर्जी ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स पता करना है तो तरीका आपके पास सामने क्लियर है कि भैया सोर्स ऑफ एनर्जी कितना है और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कितना है, बता दीजिए, मैं सर आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तब जाकर मेरी सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा, वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड करके मैंने कुछ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के रिलेशंस लिखे हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं। मान लीजिएगा, चलिए कुछ न्यूमेरिकल डिजाइन करते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं कि कैसे आखिरकार अप्लाई करना है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिएगा आपसे कोई ये कहता है कि जो बल्ब हमारे रूम में जल रहा है उससे हम कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वो छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल्स की फॉर्म में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। उन्हें हम क्वांटम्स कहते हैं, उनमें एक डेफिनेट एनर्जी होती है, उन्हीं को हमने फोटॉन्स कह दिया। मैं सर जानना चाहता हूँ कि वो फोटॉन्स कितनी एनर्जी लेकर आ रहे हैं, पर मोल के हिसाब से कितनी एनर्जी आती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, ये सारी जानकारी अगर करनी है तो एक न्यूमेरिकल डिजाइन कर लेते हैं पहले। मान लीजिएगा आप जिस रूम में स्टडी कर रहे हैं उस रूम में एक बल्ब जला हुआ है, ठीक है, एक बल्ब जला हुआ है, ठीक है, उस रूम के अंदर एक बल्ब आपका जला हुआ है। उस रूम से जो आपकी रेडिएट लाइट है वो ट्रेवलिंग कर आती है 50 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ से ट्रेवल करके आपके पास आती है। उस बल्ब से 5 जूल एनर्जी प्रोवाइड होती है, उसकी प्रोवाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है 5 जूल। मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आखिरकार कितने होंगे। चलिए नंबर ऑफ फोटॉन्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ फोटॉन्स की अगर मैं बात करूं तो भैया नंबर ऑफ फोटॉन्स तो हमारे हुआ करते हैं कि सर सोर्स ऑफ एनर्जी कितना है, सोर्स ऑफ एनर्जी कितना है और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आपके कितने हैं। क्लियर हो रही मेरी बात कि सोर्स ऑफ एनर्जी आपका कितना है और सोर्स ऑफ एनर्जी कितना है और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आपके कितने हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो मुझे मिल चुका है, 5 जूल है भैया, 5 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कैसे आएगा, और वेवलेंथ गिवन है तो ई इक्वल्स टू मेरे पास हुआ करता था एच बी, फ्रीक्वेंसी तो दे नहीं रखी है लाइट की, ठीक है, क्या दे रखा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एच क्या होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, 6.6 × 10⁻³⁴, और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो भी है, और वेवलेंथ हमारी है एंगस्ट्रॉम में तो हम इसे चेंज कर सकते हैं 50 × 10⁻¹⁰ मीटर, है ना, ये सब चीज हम पहले ईएमआर में आपको बता चुके थे। तो 50 × 10⁻¹⁰, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिएगा ये वैल्यू आपकी आ जाती है x1, मान लीजिएगा ये एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आ जाती है x1, तो x1 आपका इधर आ जाएगा और फाइनल आंसर होगा आपका 5x1 जो भी है डिवाइड करके आए, तो दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके आ जाएंगे। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके आ जाएंगे। मान लीजिएगा वो आपसे कहता है कि भाई मेरे पास ट्रेवलिंग वेवलेंथ नहीं है, मेरे पास तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। मान लो आपसे वो ऐसे कह देता तो भी कोई बात नहीं सर, सीधा ये लग जाता है एच बी,
सीधा एच पी से मल्टीप्लाई हो जाता, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आपको दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देते तो एनर्जी ऑफ फोटोन्स आ जाता। मान लीजिएगा वो आपसे ये कहता कि भाई मेरे पास वेव नंबर है, वेव नंबर है, तो हमने वेव नंबर का रिलेशन लिखाया था ना, ई इक्वल्स टू एच एच सी वी बार, एस सी वी बार, मैंने एक ये भी रिलेशन आपको लिखाया था, तो यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिजाइन करके चीज़ों को स्टडी करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, फिर समझते हैं कि आखिरकार प्लैंक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी में हम कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट आप अब हम थोड़े से कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं जो हमने पढ़ा है, जिस तरीके से चीज़ों को हमने जाना है। सारे आप बारी सारे राइटिंग कर लीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी पूरी राइटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम पहले न्यूमेरिकल के। भाई वेवलेंथ आपको ट्रेवलिंग रेडिएशन का दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको एनर्जी पता करना है इस वेवलेंथ के रेडिएशन का, इस रेडिएशन का एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी निकालने के लिए आपके पास एक ही तरीका हुआ करता था, एच भी हुआ करता था, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो आपको नहीं दे रखी है, तो एच इंटू सी अपॉन लेमडा आप लिख सकते हैं। ठीक है, एच इंटू सी अपॉन लेमडा, और सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हुआ करती हैं। भाई एच आपका हुआ करता क्या, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सी आपको हुआ करता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो भी है, और वेवलेंथ आपको दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, और हम इसे चेंज कर सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू लगभग आ जाती है 3.97 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 जूल। ठीक है, 15 जूल, अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं तो कैलकुलेट करके रखा हूँ इसलिए आपको तुरंत कर दिया है, पर आप कर सकते हैं 3.97 इंटू 10 की पावर माइनस 15 जूल। ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, जो न्यूमेरिकल होते जाएंगे हम उन्हें हटाते जाएंगे। ये हो चुका है हमारा, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हमने निकाल लिया है, जूल में आएगा। चलिए द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन का एनर्जी आपको दे रखा है 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सॉल्यूशन कर रहे हैं सेकेंड न्यूमेरिकल का। एनर्जी ऑफ रेडिएशन आपको दे रखा है इस बार, और वेवलेंथ आपसे पूछा गया है, वेवलेंथ आपको पता करना है। ठीक है, कर दूंगा सर। ठीक है, देखिए तो ई इक्वल्स टू आपके पास क्या करता है, एच इंटू वी, और फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है नहीं है भाई, लेमडा चाहिए, तो ई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एच इंटू सी अपॉन लेमडा। ठीक है, फाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा इक्वल्स टू एच इंटू सी अपॉन ई। क्लियर हो गई मेरी बात, लेमडा आपका आ जाएगा। अब डाटा क्लियर कर लेते हैं भाई, एच है हमारा कांस्टेंट दिया जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सी आपका वही 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एनर्जी आपको जो रेडिएशन की दे रखी है वो 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। क्या, किस में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। आप इसे जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल के बराबर। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू 10 की पावर 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। ओके, ये आपकी एनर्जी आ गई, तो आप लगा सकते हैं लेमडा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और अगर आप इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं
तो लैम्डा आपका निकल कर आएगा 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 13 मीटर। 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 13 मीटर मैंने तो कैलकुलेट कर रखा था, इसलिए जल्दी कर दिया है। आप लोग कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर है। एनर्जी आपको दे रखी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैं फिर बता दूं, एनर्जी आपको दे रखी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। आपसे लैम्डा पूछा था, ई इक्वल्स टू एच वी नहीं काम चलेगा, तो मैंने और किया थोड़ा मॉडिफाई, सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा चाहिए था, लैम्डा चाहिए था, तो लैम्डा के लिए हमारा ये आ गया रिलेशन। एच की वैल्यू जानता था, सी जानता था, ई था मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदला जूल में। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये डाटा आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 13, ठीक है, 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 13। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, और पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा पूरे डाटा को। चलिए अब हम करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की बात। सारे एनसीईआरटी के ही हैं भाई, सारे एनसीईआरटी के हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा है। टू रेडिएशन हो रहे हैं, टू रेडिएशन है जिनकी अलग अलग वेवलेंथ है, पहले आप देख लीजिएगा। लैम्डा वन है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा टू है आपका 2000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी, इनकी जो एनर्जी का रेशियो होगा वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन हो सकता था कि दोनों की एनर्जी का रिलेशंस क्या होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है दोनों की एनर्जी का रिलेशन क्या होगा। तो मान लेते हैं इसकी एनर्जी होगी E1 और इसकी एनर्जी मान लेते हैं E2 होगी, क्लियर है। इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी मान लेते हैं E2 होगी, तो वेवलेंथ के हिसाब से E1 इज इक्वल टू हमारा होगा SC अपॉन लैम्डा 1, और E2 होगा हमारा SC अपॉन लैम्डा 2, क्योंकि ये दोनों चीज कॉन्स्टेंट थी, ठीक है। HC लगाने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्स्टेंट है। फाइनली SC अपॉन 6000, और ये हो जाएगा हमारा SC अपॉन 2000, क्लियर है। डिवाइडिंग बाई E1 अपॉन E2, तो E1 अपॉन E2 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा SC अपॉन 6000 अपॉन SC अपॉन 2000, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू 2000 अपॉन 6000, कट गया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, थोड़ा यहाँ पे कर देते जगह नहीं है, तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू 1/3 द फाइनल, दिस इज द रेशियो, 1/3 आएगा रेशियो एनर्जी का, और रिलेशन अगर बनाते तो आ जाएगा E1 इक्वल्स टू 3E2। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, रेशियो रिलेशंस क्या आएगा, E1 इक्वल्स टू 3E2, एनर्जी का रिलेशन जो दोनों वेवलेंथ की ट्रेवलिंग का होगा, E1 इक्वल्स टू 3E2, मतलब फर्स्ट एनर्जी सेकंड एनर्जी के 3 टाइम्स होगी, फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड की एनर्जी कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी ट्रेवलिंग वेवलेंथ की, ठीक है। रेशियो होगा 1/3। तो ये आपका हो गया थर्ड न्यूमेरिकल, पॉज करके नोट कर लें, ये भी थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था आपका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भैया फोर्थ न्यूमेरिकल की। फोर्थ न्यूमेरिकल भी मेरा थोड़ा सा अच्छा है, ए 100 वाट बल्ब एमिएट्स लाइट्स ऑफ लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर बल्ब द बल्ब पर मिनट। आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पता करने हैं। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका, बड़ा प्यारा तरीका आपको बताया था। क्या तरीका बताया था कि नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपको पता करने, नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन या फोटॉन्स कुछ भी, ठीक है, या एंड से शो कर सकते हैं इसे, तो क्या भैया सोर्स ऑफ एनर्जी कितना है, सोर्स ऑफ एनर्जी अपॉन सोर्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है ना। अगर ये पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे, तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो है भैया 100 वाट का बल्ब जल रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी तो मिल गया भैया 100 वाट का बल्ब जल रहा है, 100 वाट को, लेकिन आपको एनर्जी चाहिए जूल के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जूल के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि भैया 1 वाट बराबर होता है
1 joule per second के, तो मैं लिख सकता हूं 100 वाट बराबर 100 जूल पर सेकंड के, तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो आ गया भैया 100 जूल पर सेकंड, सोर्स ऑफ एनर्जी तो आ गया 100 जूल पर सेकंड आ गया मेरा, ठीक है। अब मुझे चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए हमने तो एक ही चीज पढ़ रखी है एचबी, फ्रीक्वेंसी तो नहीं है हमारे पास, हमारे पास तो वेवलेंथ है, कोई बात नहीं सर, तो एच इंटू सी अपॉन लैम्डा कर लेंगे, एच इंटू सी अपॉन लैम्डा कर लेंगे, और ई इक्वल्स टू एच तो वही लगेगा 6.6 × 10⁻³⁴, सी लगेगा हमारा 3 × 10⁸, और लैम्डा हम भैया मीटर में बदल लेंगे 600 × 10⁻¹⁰ मीटर, तो 6.6 × 10⁻³⁴, ठीक है, इंटू 3 × 10⁸ अपॉन 600 × 10⁻¹⁰, तो ये आ गई एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ये आ गई सोर्स ऑफ एनर्जी। फाइनली मैं लिख सकता हूं एन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स 100 अपॉन, ये पूरी वैल्यू लिख देता हूं 6.6 × 10⁻¹⁴ इंटू 3 × 10⁸ अपॉन 6000 × 10⁻¹⁰, और जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू लगभग आपकी निकल कर आते 8.12 × 10⁻¹⁰ पर मिनट, ठीक है, मैंने तो सोल्व कर रखा था इसलिए आंसर आपको बहुत आसानी से लिख दिया, लेकिन आपको तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी एग्जाम में, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में, इनके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनाए गए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाए गए हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप वापस एनसीईआरटी के ईएमआर वेवलेंथ वेलोसिटी ट्रेवलिंग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करें, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स करें, काइनेटिक एनर्जी पर फंक्शन थ्रोसोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन करें, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कैसे आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन पर मोल कैसे आएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे आएंगे, है ना, ये सारे न्यूमेरिकल्स आप करें, क्योंकि न्यूमेरिकल का सेक्शन है, क्योंकि इसके बाद तो और न्यूमेरिकल आपके थोड़े से चेंज होंगे, थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल होने वाले हैं, बोर मॉडल के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा है तो और भी स्टूडेंट्स को बताएं, थैंक यू।